तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब। तो स्टूडेंट, लगातार कमेंट चलता रहता है कि सर वो 2020-21 आने वाला है और हमें रियल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए, मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए जिसे हम 95 स्कोर कर जाएं। तो स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ कि रियलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उस बात को आप अभी ही समझ लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब बच्चे जनवरी फरवरी में उनको पता चलता है कि रियलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे को तो बोर्ड एग्ज़ाम के दिन पता चलता है, बोर्ड एग्ज़ाम के दिन क्या कहें, जब वो बोर्ड की पेपर लिखते रहते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सच्चाई क्या है और लोग इस पर आपको उल्लू कैसे बना रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग रियलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कॉम्पिटेटिव के स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप ज़िंदगी में भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। तो ये किसी भी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो रियलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य मतलब ये है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन, जिसको कुछ आम भाषा में गेस क्वेश्चन के भी नाम से जाना जाता है, उसकी रियलिटी क्या है, यानी कि उसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर लें, लेकिन ऐसा सबसे पहले क्लियर हो जाइए कि ऐसा कहीं भी बात नहीं है कि आप रियलिटी, माफ़ कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके शायद आप 100 स्कोर कर जाए या 90 स्कोर कर जाए। तो स्टूडेंट, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए बहुत ध्यान से हम लोग जानेंगे कि रियलिटी क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक बच्चा था, कमेंट कर रहा था कि सर मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, मुझे मैथ में 95 स्कोर करना है। स्टूडेंट, सबसे पहला जान लीजिए कि आप किसी 90 स्कोर किए बच्चे से पूछिए या इवन मुझसे पूछिए कि क्या मैंने 90 स्कोर करके, माफ़ कीजिएगा, मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्कोर करके 90 मार्क्स लाए हैं। नहीं स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप 90 मार्क्स ले आए। हाइएस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप पास हो जाएं। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं और उसके माध्यम से जानेंगे कि इस रियलिटी क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अभी हमारे यहाँ इलेक्शन का टाइम है और मैं उसी से थोड़ा लिंकअप करूँगा पढ़ाई को, कि पढ़ाई जो है और चुनाव वो एक कैसे है, मतलब कि स्टडी एंड इलेक्शन ये दोनों आपस में एक कैसे हैं। बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये क्या बात हुई सर, स्टडी और इलेक्शन को आपने कहाँ जोड़ दिया। स्टूडेंट, मैंने ठीक जोड़ा। सबसे पहले जब इलेक्शन होता है स्टूडेंट, तो कोई भी नेता हो गए या लीडर हो गए, वो चुनाव में खड़े होते हैं तो जो जनता होती है वोट करने वाली, वो देखती है कि इन्होंने 5 साल में या जितने भी उनको साल मिले हो, उन्होंने उसमें क्या विकास किया है या क्या काम किया है। जनता देखती है और डिसाइड करके उनको वोट करती है, चुनाव में उनकी हार होती है या जीत होती है। तो स्टूडेंट, स्टडी में क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई नेता ए है और उसका ये क्षेत्र है, फील्ड है, उसकी ये जिम्मेदारी है, यहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ की आवाज़ को उठाता है, तो अपने इलाके में रोड जो भी है, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सारे कुछ अगर बनवा देता है तो यहाँ की जनता टूट पड़ के इसको वोट करती और ये जीत जाता है। दूसरा, जीत का इसका क्या तरीका हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है और यहाँ पैसे दे दे और ये चुनाव जीत जाए। तीसरा, जीत का क्या स्टूडेंट तरीका हो सकता है कि हो सके कि इसका कास्ट के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हो और कास्ट
समीकरण जिसको हिंदी में जातीय समीकरण कहा जाता है उसके नाते ये जीत जाए। यानी कि स्टूडेंट एक नेता के जीत तीन फैक्टर पे मतलब होते हैं। सबसे पहला या तो काम करा दे तो जीत जाए, या मतलब कि यहाँ पे पैसे के थ्रू वो जीत जाए, या अपने कास्ट समीकरण हो गए, या कलर कम्बिनेशन से कहीं कहीं होते हैं गोरे काले पे चुनाव हो जाते हैं, या लैंग्वेज पे, या किसी भी चीज़ पे वो जीत जाए, वो तीसरा फैक्टर है। स्टूडेंट स्टडी में भी सेम इसी तरह, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं स्टूडेंट, और अगर आपने साल भर मन लगा के अपने सब्जेक्टों में पढ़ाई की होगी, मान लीजिए कि ये मैथ सब्जेक्ट है, जिसको मान लीजिए कि ये मैथ कोई इलाका है, और यहाँ साल भर अगर मेहनत करके आपने खूब यहाँ पढ़ाई की होगी, यहाँ खूब काम कराया होगा, मान लीजिए रियल नंबर एक गांव है, वहाँ खूब काम आपने कराया होगा, आपने ट्रिगोमेट्री में काम कराया होगा, खूब मेहनत किया होगा, तो यहाँ की जो क्वेश्चन है वो समझिए जनता है, और वो टूट टूट कर आपको मतलब कि एग्जामिनेशन को चुनाव मानिए, और एग्ज़ाम में आपको टूट टूट कर वोट करेगी, टूट टूट कर मार्क्स दिलवाएगी, और आप भारी मतों से मैथ में जीत जाएंगे, या साइंस में जीत जाएंगे, या किसी भी सब्जेक्ट में आप जीत जाएंगे। यह स्टूडेंट हो सकता है कि आप पैसे के बल पे वहाँ कुछ एडजस्ट करा ले, या क्वेश्चन खरीद लें, या आपका कोई भाई बंधु आपकी मदद कर दे। तो स्टूडेंट बता दूँ कि पैसा और भाई बंधु जो ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत कम काम करता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी रियलिटी वही है। हो सकता है कि कभी बाहर आ जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आ जाए और आप जीत जाए, मतलब आपने साल भर मैथ में कुछ पढ़ाई भी नहीं की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बड़े अच्छे से 90 मार्क्स भी स्कोर कर दिए, 100 मार्क्स भी स्कोर कर दिए, और होता है ऐसा। तो आपको बता दूँ स्टूडेंट, वो कभी कभी ही होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप कोई नेता जैसे अपने क्षेत्र में अगर काम कराता है बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से, तो कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए वो जीतता ही है। तो उसी तरह मैं कहूँगा स्टूडेंट कि आप अपने क्षेत्र में काम कराइए, जो भी आपका मैथ जिला है, साइंस जिला है, जो भी SST जिला है, वहाँ टूट टूट कर काम करिए, वहाँ टूट टूट कर जनता की समस्या यानी चैप्टर की समस्या को सॉल्व कीजिए, और देखिए यही चैप्टर आपको एग्जाम में यानी कि इलेक्शन में आपको बहुत भारी मतों से जिताएगी, यानी कि बहुत बड़े नंबर से आप जीत के आएंगे अगले क्लास में, समझिए स्टूडेंट। तो वही है, पहले फैक्टर पे हमेशा काम कीजिए। अभी भी बोर्ड में 6 महीने बचे हुए हैं, दम लगा के अभी से अपने चुनाव क्षेत्र यानी कि अपने जो पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें जुट जाइए और मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर वही इम्पोर्टेंट में रहिएगा। और रियलिटी यही होती है कि ये जो नेता होता है काम कराने वाला यानी कि पढ़ने वाला, वो हमेशा जीतता है। और वही आप भी कभी कभी अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो किसी क्लास में आपका अगर दोस्त आगे बैठ गया तो आप एडजस्ट करके, वही गठबंधन कभी कभी हो जाता है ना पार्टी में और जीत जाते हैं, उसी टाइप से कभी कभी आप भी 90 लिए होंगे, लेकिन हमेशा आप नहीं ला रहे होंगे क्योंकि आप हमेशा मेहनत नहीं करते हैं। तो यही है स्टूडेंट रियलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि आपको कैसे जीत के जाना है, वही फंसाना है कि हाँ चलो एक बार लगा देंगे, अगर लड़ गया तो लड़ गया, तो हो सकता है कि इस साल लड़ जाए, अगला साल क्वेश्चन ना लड़े। तो जो भी स्टूडेंट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में अभी फिर मत फंसिए, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, मन लगाइए, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और यही है स्टूडेंट, पढ़ाई और चुनाव एक कैसे चीज़ है इसी से पता चलता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पैसे की क्या बात है, बहुत लोग पैसे पे नंबर खरीद लेते हैं, तो उसी तरह जैसे पैसे पे वोट खरीदाता है, तो हर जगह तो पैसा नहीं लगेगा, तो वही बात है। तो खुद एक ही रास्ता है आपके पास, मेहनत कीजिए, अच्छे से काम कीजिए अपने क्षेत्र में यानी कि अपने सब्जेक्ट में, और बहुत अच्छा कीजिए, जागरूक रहिए, और इम्पोर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए। और कोई इम्पोर्टेंट दे भी कैसे सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देते हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या वो बोर्ड का क्वेश्चन बनाते हैं। और एक और रियलिटी जानिए स्टूडेंट, जो बोर्ड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की होती है, मैं तो CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ तो थोड़ा सा उसका ज़्यादा बता सकता हूँ कि स्टूडेंट एक क्लास में लगभग 12 सेट होते हैं। अगर आप मैथ क्लास 10 की बात करेंगे तो उसमें 12 सेट क्वेश्चन बनाए जाते हैं मैथ क्लास 10 में, क्लास 12 में भी, सारे सब्जेक्टों में इसी तरह होता है। मैं एक मैथ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
12 सेट में स्टूडेंट क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन को मिला ले तो 10 क्वेश्चन ही हर एक सेट से मिल जाते हैं, 20-20 क्वेश्चन अलग होते हैं, यानी कि 240 क्वेश्चन टोटल वो लोग सेट करते हैं। एनसीईआरटी में कितनी क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन ही है स्टूडेंट। तो इसके नाते तो 240 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ, प्लस 120 अलग से जुड़ी है, 360 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हुआ। क्यों ना हम पूरी एनसीईआरटी को कर ले 400 क्वेश्चनों को। वही स्टूडेंट 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे देते हैं और पैसे भी ठग लेते हैं। तो प्लीज़ इस सब चक्कर में मत फंसिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बहुत बुरे फंस जाएंगे आप। तो हम तो पढ़ाई करा रहे हैं क्लास 10 मैथ साइंस का, और इंपॉर्टेंट वाले बच्चे की समस्या क्या होती है कि उनको इच्छा होती है मैथ साइंस पढ़ने की, लेकिन उनका बेसिक ही खराब होता है, उन्होंने 6 में पढ़ाई नहीं की होगी, 7 में पढ़ाई नहीं की होगी, 8 में पढ़ाई नहीं की होगी। तो आप ही लोग के लिए हम वीडियो लेक्चर बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें अगर आपको सिर्फ जोड़ घटाव भी आता है तो भी आप हमारी लेक्चर को देख के उस चैप्टर में आप अपने क्लास के टॉपर को भी पढ़ा देंगे बैठ के लंच टाइम में, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो वीडियो लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एक स्ट्रेटजी वीडियो मैथ पे दे देना दन है, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और यही है रियलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।